और इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय विधायक रवि राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका रवि जी इंडिया टीवी पर। क्या कहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से आज गवर्नमेंट जाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट थी उद्धव जी ठाकरे जी की, और जो वहां पे गार्डियन मिनिस्टर थी कांग्रेस की अमरावती में, उन्होंने पूरी तरह से ये मैटर को दबाने की कोशिश की। और ये जो मैटर है, जो एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले कुल्ले जी जो घर जाने वाले जा रहे थे और उनको अचानक उनपे जो हमला होता है और चाकू से वार मारे जाते हैं, और उनके जेब में पैसे रहने के बाद भी कोई लूटमार नहीं होती, कोई प्रकार का उनको उसकी वो मामले में उनको कहीं टॉर्चर नहीं किया जाता, और अचानक उन्होंने हिंदुओं की पोस्ट की और हिंदुओं के बारे में फेवर में बात करने वाले कुल्ले जी को चाकू से वार किया जाता है और उसको चोरी और रॉबरी का मैटर बताया जाता है पुलिस के माध्यम से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात करने वाले या हिंदुओं की पोस्ट करने वालों को अगर इस तरह से मारेंगे और इस तरह से उनपे चाकू का वार करेंगे, और वहां की सीपी आरती सिंह अगर वो बोलती है कि वहां पे रॉबरी हुई है, रॉबरी रहते तो उनके जेब के पैसे जाते थे, उनको उस तरीके से धमकी आती थी या कुछ होता था, पर अचानक उन्होंने कोई पोस्ट वायरल करना और फेसबुक व्हाट्सएप पे हिंदुओं की बात करना, अगर उसको मारा जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस की और वहाँ के सीपी, इन्होंने वो मैटर दबाने की कोशिश की है। एमपी नवनीत राणा जी ने होम डिपार्टमेंट सेंटर के उनको मांग की है एनआईए और सीबीआई के माध्यम से उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, और एनआईए की टीम भी वहाँ पे पहुंच चुकी है। या देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे डिप्टी सीएम है, उनको भी हम अभी मांग करने वाले और सीएम को भी मांग करने वाले कि अभी गवर्नमेंट बदल गई, पर अगर इस तरह से कोई हिंदुओं की बात करता है और उसको चाकू से मारा जाता है, उसको इस तरह से उनको धमकियां आती है और उसको दबाने का काम अगर उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस के वहां के मंत्री अगर करते हैं तो उसकी जरूर जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और इसके पीछे जो भी चेहरे छुपे वो भी बाहर आना चाहिए। ये हमारी एनआईए और सीबीआई से मांग है और नई सरकार से भी मांग है रवि जी। लेकिन पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, उनसे हर एक एंगल पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कह रही है कि हमने तो तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, तुरंत नहीं पकड़ा गया, और जो रॉबरी का व्यू देखे उन्होंने जो पकड़ा है, जो लोगों को पकड़ा है, मुझे लगता है इसके पीछे बाकी भी बहुत सारे चेहरे हैं जो इस तरह से इशारा दे रहे हैं अगर कोई हिंदुओं की बात करेगा, पोस्ट करेगा या कोई प्रकार का मैसेज करेगा तो उसका भी हर्ष ऐसा ही होगा। तो वो जो चेहरे है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं वो बाहर आना जरूरी है, और उसमें पूरी तरह से अमरावती की सीपी जो है असफल है, क्योंकि इसके पहले भी दंगे हो चुके हैं अमरावती में, इस तरह से कई मर्डर अमरावती में हो चुके हैं, पर पूरी तरह से सरकार की दबाव से वहां की सीपी काम करते आई है। और मैंने भी कई बार उनको सवाल किया है कि इस तरह से अगर घटना हो रही है जी। और क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस माइंडेड, कांग्रेस विचारों की राजनीति जो वहां हो रही है, इसलिए वहाँ हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका रवि राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निर्दलीय विधायक रवि राणा को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर अलग थ्योरी दे रही है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।